हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। आज एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट टू चल रहा है। और पार्ट टू का बेटा पहला टॉपिक है रेशियो, रेशियो बेस्ड ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, राइट है। और ये क्वेश्चन नंबर टू है रेशियो से रिलेटेड। ठीक है बेटा, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते बेटा। ये पार्ट टू है, क्वेश्चन नंबर टू एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है। ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशियो 5:4। क्या रेशियो बेटा? ओल्ड रेशियो 5:4 है। पार्टनर क्या है? ए एंड बी है। ये क्या है? ओल्ड रेशियो है, सॉरी ओल्ड पार्टनर्स है। सी वाज एडमिटेड ऑन 2/7 शेयर इन द प्रॉफिट। जो सी न्यू पार्टनर है उसकी न्यू रेशियो कितनी है? 2/7 है। इन द प्रॉफिट विच सी टू 3/14 फ्रॉम ए। जो 2/7 है उसमें से 3/14 जो है वो किससे ले रहा है? ए से ले रहा है। एंड 1/14 फ्रॉम बी। और जो 1/14 है वो किससे ले रहा है? बी से ले रहा है। इन दोनों की रेशियो यदि आप जोड़िएगा आपको हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। यदि आप इन दोनों रेशियो को जोड़िएगा तो कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रेसिंग रेशियो। आप बोल रहे बेटा ए और बी ने का क्या न्यू रेशियो क्या है और ए और बी का सेक्रेसिंग रेशियो क्या है। ठीक है, तो देखिए ये तो क्वेश्चन है। हमेशा देखिएगा एडमिशन पार्टनर के केस में और चेंज इन प्रॉफिट रेशियो के केस में हमेशा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे। क्या क्या करेंगे बेटा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो मानेंगे जिस पार्टनर का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है वो पार्टनर क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। और जिस पार्टनर का ओल्ड माइनस न्यू रिजल्ट क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है, मतलब वो पार्टनर क्या रहा है? गेन हो रहा है। तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उस पार्टनर को क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं उसके रेशियो से। और जो पार्टनर गेन कर रहा है उस पार्टनर को क्या कर देते हैं? डेबिट करते हैं उसके रेशियो से। देखिए आप हमेशा देखिए ओल्ड माइनस न्यू रेशियो कीजिए, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। और रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो क्या उस पार्टनर से क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस हो रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। और हमेशा ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करूंगा एडमिशन के केस में करेंगे ऐसा। और चेंज इन प्रॉफिट रेशियो के केस में, रिटायरमेंट केस में नहीं। ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है सॉरी निगेटिव आ रहा है तो गेन। अब गेनिंग पार्टनर क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, हमेशा देखिएगा आप पहले जो भी पार्टनर था उसमें सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो पहले सॉल्व नहीं करेंगे। आप उसमें क्या करेंगे? थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे जगह छोड़ दिया समझाने की ए। और आपको क्या पता है वर्ग क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, वर्ग क्वेश्चन सॉल्व किए बता सकते हैं क्या किस पार्टनर को गेन हो रहा है, किस पार्टनर को जा रहा है? सेक्रीफाइस कर नहीं कर सकते ना, इसलिए जगह छोड़ देगा। फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, फिर देख लेंगे यदि रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो हम लिख देंगे सेक्रीफाइसिंग, और निगेटिव आ रहा है तो लिख देंगे गेन। पहले लिख करके नहीं रखेंगे। ए का 5/9 माइनस 3/14 है, कितना बेटा? 3/14। थ्री बाय फोर्टीन क्या है? ए सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस क्या करेगा? सी को दे रहा है, मतलब सी जो है ए से ले रहा है 3/14। ठीक है, तो 5/9 माइनस 3/14, तो इसका जो एलसीएम लेंगे 9 और 14 का जब एलसीएम लेंगे तो उसका एलसीएम कितना आएगा? 1/26। और 1/26 को 9 से डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा? 14। और 14 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा? 70। बेटा तो 70 लिख दिया। फिर 1/26 डिवाइड बाई 14 कितना आया? 9। 9 3 27 आ गया। ठीक है, तो 70 माइनस 27 कीजिएगा कितना आएगा? 43/126। अरे ये देखिए ये रिजल्ट क्या रहा? पॉजिटिव। क्या क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पे लिख दीजिए सेक्रीफाइस, पहले लिखे नहीं लिखेंगे। ये सेक्रीफाइसिंग सेक्रीफाइस बी का देखिए नहीं सेक्रीफाइस करते न्यू रेशियो को ना, ये न्यू रेशियो को बेटा
एज तो नहीं देते होगा, न्यू देते हो ठीक है। बीच न्यूज से दिखे 4/9 - 1/14, ये तो पहले से बता रहा है कि इतना सेक्रीफाइस करेगा, पहले से बता रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जब एल्शियम लेंगे 9/14 का एल्शियम जब लेंगे बेटा तो क्या होगा 1/26, 1/26 तो 1/26 डिवाइड बाय 9 कितना आएगा 14, 14 × 4 = 56 आ गया। फिर 1/26 डिवाइड बाय 14 जब करेंगे कितना आएगा 9 × 1 = 9, तो 56 में से 9 लेस कर देंगे तो कितना आएगा 47/126 है। तो देखिए नीचे डिनोमिनेटर क्या इक्वल है, तो आप इसी में क्या कर सकते हैं न्यू रेशियो निकाल देंगे। हाँ यदि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता तो मुझे पहले डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ता, यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दे हेंस न्यू रेशियो इज 43:45। क्लियर बेटा। अब देखिए आपका चूंकि पहले से सेक्रीफाइस करने का तरीका बता दिया कि ए 3/14 कर रहा है और बी 1/14 कर रहा है, इन दोनों का भी डिनोमिनेटर क्या इक्वल है, इसलिए आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या हुआ 3:1 है ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। पर लेकिन चूंकि जब स्पेशली बोल दिया कि करके दिखाइए राइट है, तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर है, ऐसा नहीं कि बस हाँ से हेंस न्यू रेशियो इज सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 आएगा तो वहीं पे, लेकिन जब स्पेशली बोल दिया करके दिखाइए तो करके दिखाना ही पड़ेगा। क्लियर है, तो देखिए करते हैं। अब आपको और रेशियो पता है, न्यू रेशियो पता है, क्लियर है। अब हमेशा क्या करेंगे और माइनस न्यू रेशियो करेंगे, क्या करेंगे बेटा और माइनस और रेशियो पहले से पता है, न्यू रेशियो आपने निकाल लिया और रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो पहले से पता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, लेकिन जब स्पेशली बोला है तो आपको करके दिखाना पड़ेगा ठीक है। तो 5/9 - 43/126 राइट है, तो 9/126 का जब आप एल्शियम लीजिएगा, एल्शियम कैसे लेते हैं पता है ना, ऐसे करके देखो यहाँ पे तब तक मैं करके आपको दिखा देता हूँ, 9/26 का रेशियो एल्शियम निकाल के दिखा देता हूँ। नाइन से जब डिवाइड कीजिएगा, 9 को 9 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, और 9 को 126 से जब डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 14 आएगा। अब एलसीएम लीजिए तो कितना लेंगे बेटा 9 * 1 * 14 ठीक क्या हो गया 100 126 आ गया ठीक है। तो देखिए फिर यहाँ पे बी का देखिए 4/9 - 47/126 इसका एलसीएम कितना 126 आ गया, तो 126 डिवाइड बाय 9 कितना 14 × 4 = 56 126 डिवाइड बाय 126 कितना बेटा 1 × 47 - 47 है, -47 है, तो 56 - 47 = 9 हो गया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या देखिए, नीचे भी 126 है, नीचे 126 मतलब डिनोमिनेटर दोनों में क्या इक्वल है, इसलिए और कुछ करने की जरूरत नहीं, यही अपन सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेमिंग रेशियो हो गया ठीक है। तो देखिए हैं गेमिंग रेशियो नहीं है, सॉरी बेटा ये गेमिंग रेशियो नहीं है, ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ये गेनिंग रेशियो नहीं होगा बेटा ठीक है, ये क्या होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो
सही फैसिंग रेशियो कितना था 27:3, इसको और को ये कॉमन ले लीजिए तो 3:1 जितना लोएस्ट कॉमन हो सकता है, ठीक बेटा उस पर लेके चलेंगे जो कम से कम हो, तो 3:1 देखिए प्रूफ हो गया ना 3/14, 1/14 तो 3:1 हो गया, 3:1 आ गया है, पर आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक बेटा ठीक है आपका कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट थैंक यू।